वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स बाय इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड इज आल्सो नोन एज द रिलैक्स पावर मेथड। ओके, तो अगर एग्जामिनेशन में आपको इटरेटिव मेथड भी कहते हैं सो दैट इज सेम एज द रिलैक्स पावर मेथड एंड रिलैक्स पावर मेथड इज सेम एज द इटरेटिव मेथड। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। हमारे पास देखिए एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स। दिस 3x3 मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, दिस इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, तो इसलिए मैंने इसका वीडियो लिया हूँ। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद देखिए, अब ये 3x3 मैट्रिक्स हमारे पास है, तो 3x3 मैट्रिक्स के हमको पता है कि तीन आइगन वैल्यूज आते हैं और करस्पॉन्डिंगली हम तीन आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। बट हम यहाँ से क्या निकालेंगे, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, एंड दैट विल बी द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। अब न्यूमेरिकल लार्जेस्ट आइगन वैल्यू मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, सपोज मुझे पास आइगन वैल्यूज हैं, इट इज 1, 2 और इट इज सपोज -3। ओके, एंड देन टेल मी व्हाट इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग दिस वन, सो यू विल से दैट 2 इज द लार्जेस्ट। ओके, बिकॉज -3 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। बट जब हम यहाँ से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालते हैं इस मेथड से, तब हम न्यूमेरिकल लार्जेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल लार्जेस्ट यहाँ पे कौन सा रहेगा, इट इज दिस 3। हम साइन को एक्सक्लूड कर देंगे, ओके, एंड आवर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू विल बी व्हाट, इट इज 3। जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जाम्पल लिखा, इट इज 2, 7 एंड दिस इज 8। अमॉन्ग दिस व्हाट इज द लार्जेस्ट, इट इज व्हाट 8। न्यूमेरिकली लार्जेस्ट भी है यही, और ऐसे नॉर्मली भी यही लार्जेस्ट है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट इट इज व्हाट 2, बट न्यूमेरिकल लार्जेस्ट व्हाट इट इज 3। तो हम यहाँ पे इस मेथड से न्यूमेरिकली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो विल सी नाउ हाउ टू दैट गेट इट, विल सी द प्रोसीजर हियर फॉर फाइंडिंग दैट लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। नाउ आई जस्ट राइट डाउन द गिवन इक्वेशन एज इट इज, और गिवन इक्वेशन हम लिखते हैं, सॉरी गिवन इक्वेशन है, गिवन मैट्रिक्स वी आर हैविंग एज, आई सपोज यूर लेट द मैट्रिक्स ए वी आर हैविंग एज 1, 6, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 3। दिस 3x3 मैट्रिक्स इज गिवन टू अस। ओके, अभी हमको अगर इटरेटिव मेथड से निकालना है, इटरेशन मतलब क्या होता है कि हमको रिपीट करने पड़ते हैं स्टेप्स बार बार जब तक हमारा फाइनल वैल्यू फाइनल आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इटरेशन के लिए, तो सबसे पहले हम तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक वेक्टर। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हम वेक्टर लेते हैं x0 = 1, 0, 0। हमको यहाँ पे वेक्टर भी निकालना है, ठीक है, तो हमने इसको लिखा बी द अप्रोक्सीमेटेड वेक्टर, इसको हमने ले लिया बी अप्रोक्सीमेटेड आइगन वेक्टर करस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। इज इट ओके? नाउ फर्दर अब हम मेथड स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब ये जो आइगन वेक्टर लिया मैंने 100 लिया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 100 ही लेना है, बट आपको क्या चीज़ लेना है कि सभी क्वांटिटी बस जीरो नहीं होनी चाहिए, उसमें एक तो भी क्वांटिटी आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। आप 010 भी ले सकते हैं, या 001, या 111, 222, ओके, इस तरह से भी आप ले सकते हैं, बट इन द मैक्सिमम बुक दे हैव यूज 1000, इसलिए हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, आई जस्ट टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू थिंग्स। तो मल्टीप्लीकेशन में मैंने लिया ए विच इज़ मल्टीप्लाइड टू दिस मैट्रिक्स 100, तो मैं उसको मैट्रिक्स को लिखता हूँ, हमारे पास है 1, 6, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 3, दिस इज मल्टीप्लाइड टू वॉट 100। अभी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, एंड मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल हियर। कैसे, देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3x3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इट इज 3x1। ओके, तीन रोज है, एक कॉलम है। अब नाउ दिस 3 मैचेस विद दिस 3, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा रहेगा 3x1, मतलब इसी टाइप का रहेगा वो 3x1, द 3x1 मैट्रिक्स आर राइट हियर। कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 1 × 1 देन प्लस 6 × 0 इज 0 प्लस 1 × 0 इज 0, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1। फिर मैं सेकेंड रो को कंसिडर करूँगा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, सो हाउ कैन आई राइट 1 × 1 इट इज 1, देन 2 × 0 0, दिस 0 × 0 इज 0, सो अगेन 1। नाउ हियर 0 × 1
जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, थ्री इंटू जीरो इज वॉट जीरो। तो ये आ गया मेरे पास वेक्टर, नया वेक्टर आया अभी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू हम बाहर निकालेंगे, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू। सो यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, इट इज वॉट वन। अगर वन बाहर निकाल दिया मैंने तो हमको वन से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट विल बी अगेन वी गेट इट इज वॉट वन वन जीरो, और इसको मैं डिनोट करूंगा इट इज वॉट लैम्बडा वन और एक्स वन से, इज इट ओके। नाउ फर्दर इसके बाद अब क्या करेंगे, अब ये इटरेशन मेथड है तो मुझे अभी सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, उसमें मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा हमारे न्यू अपडेटेड वेक्टर्स के साथ। हमारे पास एक्स वन वेक्टर क्या है, वन जीरो जीरो, और हमने आइगन वैल्यू को, हमारा आइगन वैल्यू फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या, अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू इट इज वॉट वन। अभी हमको इटरेशन परफॉर्म करते जाना है, सो ए एक्स वन विल बी इट इज वॉट अगेन वन सिक्स वन, दिस इज एज इट इज वन टू जीरो 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 थ्री, एंड दिस थिंग आई मल्टीप्लाई बाय वॉट, इट इज वन वन जीरो, ओके। फिर इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऑन द सेम लाइन। आप ये जो मल्टीप्लीकेशन है कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हूँ हाउ टू फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन बाय कैलकुलेटर, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, और आप कैलसी से भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, या अगर मैनुअली होता है तो ईजिली कर लीजिए। इट इज़ वन इंटू वन, दिस इज सिक्स इंटू वन सिक्स, दिस इज ज़ीरो, मतलब यहाँ पे आएगा सेवन, बिकॉज हम ऐड करते हैं वन प्लस सिक्स प्लस ज़ीरो, फिर वन प्लस टू प्लस ज़ीरो, मतलब इट इज़ वॉट थ्री, वन प्लस टू आ जाएगा, देन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो हियर। अब यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, लार्जेस्ट नंबर इज वॉट सेवन, तो सेवन मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा इट इज़ वॉट ज़ीरो, इसको करके हम थ्री बाई सेवन। अब थ्री बाई सेवन क्या आएगा, देखिए आई जस्ट डन द कैलकुलेशंस, उसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, थ्री बाई सेवन दैट विल बी इट इज पॉइंट फोर थ्री, और देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ दो डिजिट तक ही नंबर लूँगा और दूसरा डिजिट हमेशा राउंड अप लूँगा। आप कैलकुलेटर को फिक्स कर सकते हैं दो डिजिट पे, सो दैट आपका ये पॉइंट फोर थ्री डायरेक्टली आ जाएगा फिर, ओके। अगर आप नहीं फिक्स करते हैं तो इसके डेसिमल के बाद भी आपके नंबर्स आएंगे। उसके बाद देन वी आर हैविंग, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, सेवन से, सेवन को सेवन से डिवाइड किया तो ये वन आएगा, और बाद में थ्री को डिवाइड किया सेवन से तो दिस विल पॉइंट फोर थ्री, और जीरो डिवाइड बाई सेवन इज वॉट ज़ीरो, ये हो जाएगा मेरा, इट इज़ वॉट लैम्डा टू एंड इट इज एक्स टू, इज इट ओके। नाउ फर्दर इटरेशन मेथड है, मैं नेक्स्ट इटरेशन दैट इज थर्ड इटरेशन परफॉर्म करूंगा, सो ए एक्स टू दैट विल बी वन सिक्स वन, वन टू ज़ीरो 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 थ्री, दिस विल बी मल्टीप्लाइड टू, व्हाट इज इट, दिस वेक्टर एक्स टू, एक्स टू वेक्टर क्या है, इट इज़ वन ज़ीरो पॉइंट फोर थ्री एंड दिस इज ज़ीरो। इफ़ आई डू द मल्टीप्लीकेशन, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स ए को इसको सेव कर दीजिए फिक्स, और मैट्रिक्स भी चेंज करते जाइएगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको मैट्रिक्स में कर लेना है, ओके। सो दैट मल्टीप्लीकेशन वी गेट हियर एज इट इज, हमें मिलेगा मल्टीप्लीकेशन इट इज 3.58, नेक्स्ट 1.86, नेक्स्ट 0। अभी हम क्या कर लेंगे, इसमें से लार्जेस्ट निकाल लेंगे। अब इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, 3.58, सो 3.58 बाहर निकाला, सो 3.58 को 3.58 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 1.86 को डिवाइड करेंगे 3.58 से, सो दैट विल बी कम आउट टू बी इट इज 0.52, ओके। उसके बाद 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आने वाला है, तो मुझे ये नेक्स्ट इटरेशन में मिल गया लैम्बडा 3 और एक्स 3। अब सेम थिंग अगेन वी विल डू इट हियर, मैं अभी ए को एक्स 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो हम कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, सो देखिए इट इज ए एक्स थ्री, तो ए तो ऑलरेडी हमारे पास है, इट इज़ वन सिक्स वन, वन टू ज़ीरो 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 थ्री, इज इट ओके। अब एक्स थ्री, एक्स थ्री अभी हमने निकाला, देखिए इट इज़ वॉट वन पॉइंट, इट इज़ वॉट फाइव टू हमारे पास है, दिस इज़ ज़ीरो। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए कैलकुलेटर के अंदर, मैनुअली थोड़ा सा दिक्कत जाता है इसलिए मैनुअली हम नहीं कर रहे हैं, कैलसी में आप कैलकुलेटर में आप कर लेंगे तो वी गेट द आंसर एज हियर, इट इज 4.12, देन दिस इज 2.04 एंड दिस इज 0। लार्जेस्ट बताइए कितना है, 4.12, सो 4.12 को बाहर निकाल दिया हमने, ये हो जाएगा 1, इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 0.495 आता है एक्चुअली, अगर राउंड अप करें तो आप इसको 0.5 लिख सकते हैं, ओके। या इसको आप तीन डिजिट में भी लिखे तो भी चलेगा,
बट मैं आपको प्रिफेयर करूँगा, हमेशा बोलूँगा कि आपको दूसरा डिजिट हमेशा राउंड अप कर लेना है, तो हमको इटरेशन फिर कम करने पड़ते हैं। अगर आप मैक्सिमम डिजिट लेंगे डेसिमल के बाद तो आपको इटरेशन फिर परफॉर्म ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब इटरेशन हमको कब तक करने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये कब तक करने पड़ते हैं, जब तक हमारे कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स जो है वो इक्वल या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो इटरेशन हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ये दोनों वेक्टर को देखेंगे तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। ये दोनों वेक्टर इक्वल है क्या, ये वन है, ठीक है ये वन है, बट ये 0.43 और 0.52 दोनों अलग अलग है, फिर इसलिए हमने नेक्स्ट इटरेशन लिया। अब ये है 1.520, ये वेक्टर क्या है 1.495 और इट इज़ 0, मतलब करीब करीब आते जा रहे हैं हम। ठीक है, अभी हम फर्दर करेंगे कैलकुलेशंस। सो इसको हम लिखेंगे इट इज़ व्हाट लैम्डा, इट इज़ 4 आ जाएगा ये, एंड दिस इज व्हाट x4 0 के। नाउ फर्दर दिस विल बी इक्वल्स टू, अब हम निकालेंगे ax4, ये भी हम देखिए पहला इटरेशन हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ, अब हम फिफ्थ इटरेशन कर रहे हैं। सो इसमें मैं फिर से a को मल्टीप्लाई करूँगा 161 120 003 मल्टीप्लाई टू व्हाट दिस वेक्टर 1 0.4950। ओके, आप इसको 0.5 भी लिख सकते थे अगर राउंड ऑफ हम करते हैं तो। राउंड ऑफ आपको पता है कैसे करते हैं, 5 और 5 से ग्रेटर रहा तो सामने का नंबर हम 1 से बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से लेस है तो उसको एज इट इज रखते हैं। सो नाउ आई जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी हियर, इट इज 3.97 1.99 एंड दिस इज 0। सो मैंने यहाँ से 3.97 बाहर निकाल लेना है, तो यहाँ बचेगा मेरा इट इज व्हाट 1, यहाँ पे क्या रहेगा 1.99 है तो डिवाइड बाय 3.17, ये आता है क्वांटिटी हमारा 0.50 के करीब एंड दिस इज 0, और ये रहेगा हमारा लैम्डा 5 एंड x5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी निकालेंगे, देन अगेन इट इज ax5। क्यों नेक्स्ट क्वांटिटी निकाल रहे हैं, बिकॉज अगर हम देखेंगे ये दोनों वेक्टर इट इज 0.495 और ये 0.5, दोनों करीब है बट सेम नहीं, इक्वल नहीं है, तो इक्वल आ जाएगा हमारा अगर हम शायद नेक्स्ट इटरेशन कर लेंगे तो। सो हम नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, इट इज 1 0 0 3, दिस इज मल्टीप्लाई टू व्हाट 1.495 एंड दिस इज वेक्टर क्या है 0.50 है अभी, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0। नाउ दिस इज इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन वी गेट हियर इट इज व्हाट 4 2 1 0। आप मल्टीप्लीकेशन करके देखिएगा, ठीक है, एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करके देखिए, देन दिस विल बी फर्दर 4 बाहर निकाला हमने तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट 1, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0, और हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा 6 एंड व्हाट x6। इफ यू कंपेयर, देखो लैम्डा दिस वेक्टर दैट इज 1.50 एंड 0, दिस वेक्टर 1.5 एंड दिस इज 0, मतलब x5 और x6 हमारे आ गए सेम। सो आई से हियर आई हैव x5 एंड x6 वेक्टर्स आर सेम। तो हमको कब तक करना है प्रोसीजर इटरेशन, जब तक हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स इक्वल नहीं आते हैं या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल आ गए तो वी स्टॉप द प्रोसीजर एंड वी से दैट दिस 4, यहाँ पे जो आइगन नंबर दिस 4 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू अमॉन्ग दैट 3 आइगन वैल्यूज इसमें जो भी आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम कहेंगे सो दिस इंप्लाइज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 4 एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर भी हमको निकालने के लिए बोला है। सो करस्पॉन्डिंग वेक्टर भी हम लेटेस्ट वाला लेंगे, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर इज वी आर हैविंग इट इज व्हाट 1 0.5 एंड दिस इज व्हाट 0। तो हमको वेक्टर भी निकाल लिया हमने और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू भी निकाल ली। तो इस तरह से हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मैं जस्ट रिवाइज करता हूँ, हमने गिवन मैट्रिक्स लिया और हमने पहले अप्रोक्सीमेट किया आइगन वेक्टर को, कैसे 100 से, ओके, उसको हमने डिनोट किया x0 से। आप इसमें 111 भी ले सकते हैं या फिर और कोई भी नंबर आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है, बट कन्वीनियंट के हिसाब से हम इसको ले लिए 100, और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू किए, मतलब मल्टीप्लीकेशन का a(x0) हमने लिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, इसमें से लार्जेस्ट निकाला और बाकी फिर वेक्टर को एज़ इट इज़ लिखा, फिर ये जो वेक्टर आया नया फिर से a से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लीकेशन के बाद फिर से वेक्टर मिला, उसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट निकाला, ये 7 निकला यहाँ पे, फिर जो वेक्टर आया फिर से a से मल्टीप्लाई किया,
फिर मल्टीप्लिकेशन करने वाला जो वेक्टर आया लार्जेस्ट निकल रहा, ठीक है। इस तरह से आपको परफॉर्म करते जाना है इटरेशन, कब तक, जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स इक्वल नहीं आते हैं। अगर वो इक्वल आ गए या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गए तो वी स्टॉप हियर एंड देन वी से दैट दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड उसके बाद ये हमारा करस्पॉन्डिंग वेक्टर रहेगा। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मली इसके आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, देखिए अगर मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ शॉर्टकट वाला, लैम्डा क्यू माइनस s2 lambda square देन प्लस s2 lambda माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू जीरो। अब s1 का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें समझाया हूँ हमारे उस वीडियो में, दैट इज रिडक्शन टू द डायगोनल फॉर्म के अंदर कैसे निकाला जाता है। s1 मतलब डायगोनल का सम, दैट इज 1 + 2 + 3, और s2 मतलब डायगोनल के माइनर्स का सम, ओके मतलब जो डिटर्मिनेंट आते हैं डायगोनल एलिमेंट के उसको हम सम करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, हमारे पास s1 आएगा, दैट विल बी, मैंने जस्ट कैलकुलेट किया हूँ, ठीक है, सो दैट s1 विल बी डिस 6, तीनों का सम कर दिया तो देखिए सिंपल है। उसके बाद देन s2 आएगा प्लस 5 lambda और डिटर्मिनेंट रहेगा -12, तो ये हो जाएगा +12, ओके। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे 3 roots मिलेंगे और दैट 3 roots आर -1, 4 और 3, इस तरह से आएंगे वो, ठीक है। तो इसमें से अमॉन्ग्स हाईएस्ट कौन सा है, मतलब लार्जेस्ट कौन सा है, इट इज व्हाट, 4। तो वही हमने चीज़ यहाँ पे इटरेटिव मेथड से निकाली और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा आइगन वेक्टर है 1.50 और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, 1, 1/2 एंड 0। और इस वेक्टर को अगर हम मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो ऐसा भी हो जाता है 2, 1, 0, मतलब ये भी करेक्ट है, ओके। सो ये हम जब नॉर्मल मेथड से निकालते हैं तो हमको इस तरह से मिलेगा 2, 1, 0 वगैरह। सो जस्ट मैं आपको समझा रहा था कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमने कैसे निकाली है, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यू मिलते हैं, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो हमको 2 ही आइगन वैल्यूज मिलते हैं, ओके। सो आई सपोज कि आपको मेथड क्लियर है, अगर आपको समझा होगा वीडियो सो जस्ट लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स and please do the subscribe the channel for more such videos. और अगर आपको कोई कम है, अगर आपको कोई क्वेरी है, डिफिकल्टी है, प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, और कोई और वीडियो आपको अदर टॉपिक पे चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।